Mr. Gopal Mishra is a distinguished journalist and political commentator who has served in many media houses, including The Times of India, The Pioneer, Sunday Herald, Gulf News, etc., in India as well as overseas. He is at home in both print and electronic media, and his journalistic contribution during the Myanmar crisis has been extremely notable. He has to his credit the launching of India's first new web portal, India.com. Let us hear it from Mr. Gopal Mishra, who was the guest lecturer in the St. Sri Jnaneshwar Sri Tukaram Endowment Lecture Series. If you would like to watch more such quality videos, please subscribe to Vishwashanti Darshan, a channel dedicated to world peace. Please don't forget to press the bell icon. जब हिंदुस्तान 47 आज़ाद हुआ, हजारों लाखों लोग आ गए. नेहरू वॉज अगेंस्ट ICS, सिविल सर्विस. वो हमारे जान पहचान के, हमें फैमिली के थे. एक सर गिरिजाशंकर वाजपेयी थे जो महाराष्ट्र के गवर्नर ही बने. उन्होंने किताब लिखी थी, यूनाइटेड नेशंस का नाम पहले था लीग ऑफ नेशंस. वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे सर गिरिजाशंकर वाजपेयी. उन्होंने किताब लिखी, इफ नेहरू एंड गांधी एवर कम टू पावर, इंडिया विल बी फ्रेगमेंटेड. They are so indiscipline and leaders. Then Nehru said, if ever I come to power, I will hang Girija by first lamppost. मैं पहले ही खंभे में को लटका दूंगा, इसने ऐसी गंदी किताब लिखी गांधी जी मेरे बारे में. मैं बहुत नाराज हूँ. लेकिन जब पावर में आ गए तो सर गिरिजाशंकर वाजपेयी, अगर आप कभी दिल्ली जाते होंगे तो आपने PTI बिल्डिंग देखी, वहाँ उनके मकान था. वो वहाँ से निकले, खद्दर कुर्ता और धोती पहनी और उनके पास गए, पटेल के पास. बट पटेल को कहो भाई गिरिजा कैसे आए. अच्छा, सर गिरिजा वाजपेयी वॉज मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल. मैंने कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था उनका इन ब्रिटिश इंडिया. जो वाइसराय काउंसिल का स्टेटस वही था जो आज कैबिनेट मिनिस्टर होता है. और उसके उसकी जो टेरिटरी थी वो अनडिवाइडेड इंडिया थी. यू जस्ट सी द पावर ऑफ मिनिस्टर, अ मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल, जिसमें हमारे फाउंडर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी थे. तो उन्होंने कहा भाई, उनका नमक खाए उनकी बजाई, आपके साथ आएंगे आपके बजाएंगे. तो कहा, तो पटेल ने कहा जवाहर. पटेल नेहरू जी नहीं कहते थे, पटेल जवाहर कहते थे. दो मंत्री थे भारत सरकार में जो पंडित नेहरू को जवाहर कहते थे. एक थे मौलाना आज़ाद, एक पटेल. नाम से जवाहर. वो गिरिजा बैठे हुए हैं, क्या किया जाए भाई, तुमको फॉरेन ऑफिस चलाना, इनसे ज़्यादा कौन जानता है. तो ही बिकेम फॉर एग्जाल्टेड फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ फॉरेन ऑफिस, एंड ही फाउंडेड अवर फॉरेन ऑफिस. अभी हमारे गुप्ता जी आएंगे दो दिन बाद. तो वी हैव गॉट द क्रीम ऑफ पीपल इन दिस सिस्टम बिकॉज पटेल एंड नेहरू इंश्योर दैट टैलेंट रिमेन्स इन द सिस्टम. एंड ICS हेल्प्ड इन रेस्टोरिंग दोज पीपल हु हैड कम फ्रॉम अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, लार्ज नंबर ऑफ दिस पीपल. अब उसमें प्रॉब्लम भी है, आज भी कुछ प्रॉब्लम है उसमें. जैसे कश्मीर में, कश्मीर में मीरपुर के लोग जो हैं आज जम्मू में रहते हैं, उनको सिटीजनशिप राइट नहीं है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कमी है, ये हमारी गवर्नमेंट में कमी है. अब वो बहुत दुखी हैं, आते हैं मिलते हैं, एपरेशन से. दूसरी हमारे संविधान में कमी ये आई है कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने को ग्रो नहीं कर पाई. दे हैव बिकम ऑलमोस्ट फैमिली बिजनेस. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना, माँ बेटे की सरकार, या मुलायम सिंह बेटे की सरकार, या उनके भाई की सरकार, या नवीन पटनायक की सरकार, या शिवाजी शिवसेना में पिता पुत्र की सरकार, भाई की सरकार. तो ये जो फैमिली बिजनेस हो गया है, इससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अंडरमाइन हो रहा है, क्योंकि एजेंडा ख़त्म हो गया, मैनिपुलेशन शुरू हो गया. ये चैलेंज है, आज का सबसे बड़ा चैलेंज है फैमिली बिजनेस. ये संपुट जी, संपुट है, और ये जो है चैलेंज है हमारे लिए. और दूसरा काम ये हुआ है कि कुछ इसमें, जब 1991 राजीव गांधी के जाने के बाद से हमारे यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बनी है. अब आप कहेंगे साहब राष्ट्रीय पार्टी खराब हो गई इसलिए क्या हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा वरदान है. मैंने उन्हीं दोनों पूरा पार्लियामेंट कवर किया है. गवर्नमेंट में कौन था, DMK,
AIDMK, Telugu Desam, Shiv Sena, तमाम पार्टियाँ थी, आसाम वाली पार्टी भी थी, अकाली दल भी थे, आई पार्टियाँ अलग अलग कॉम्बिनेशन में। मैं आपसे कह सकता हूँ साहब, जो रीजनल पार्टीज के मिनिस्टर थे, दे वेर नो लेस पेट्रियट एंड देन एनीबडी एल्स फ्रॉम नेशनल पार्टी। कभी भी कोई छोटी बात नहीं करते थे, चाहे तृणमूल कांग्रेस का मिनिस्टर था, चाहे तेलुगु देशम का था। दे यूज टू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया फर्स्ट, नॉट आंध्रा फर्स्ट। ये DMK वॉज नॉट डूइंग इट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अगर नई कोलिशन गवर्नमेंट बने, डरिएगा नहीं, बिकॉज दे हैव डन सो वेल। अब आप कहेंगे साहब वो 2G स्कैम हो गया, 3G स्कैम हो गया, ऐसे स्कैम तो क्या सिंगल पार्टी में नहीं हो रहे हैं? स्कैम देखिए, करप्शन स्कैम अप एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन रीजनल पार्टीज हैव मेड मोज़ेक ऑफ इंडियन स्टेट विच इज मच मोर पावरफुल टूडे देन इट वॉज अर्लियर। जो काम इन्होंने किया 91 ऑनवर्ड्स, जो नरसिंह राव की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, बेचारे फंस गए, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो इन्होंने ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी किया है, वो प्रोसेस आज भी चल रहा है, कोई पार्टी ने बदला नहीं उसको। ये भारतीय संविधान की दूसरी खूबसूरती है कि स्मॉलर पार्टीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन नेशनल लाइफ, व्हाइल नेशनल पार्टीज हैव बिकम फैमिली बिजनेस। इसमें BJP इज एक्सेप्शन, BJP का फैमिली बिजनेस नहीं है, वो ठीक है RSS माइंडेड कहें कुछ कहें, लेकिन BJP का वो आप आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन कांग्रेस हैज बिकम फैमिली बिजनेस, दैट इज ट्रू। अच्छा, वो क्या होता है, जो फैमिली बिजनेस हो जाता है वो डरता बहुत है। जैसे मैंने खुद देखा, आई हैव वन टू वन टॉक टू मेनी कांग्रेस टॉप लीडर्स, वो डरते हैं। अब सोनिया गांधी की प्रॉब्लम क्या है, शी इज़ नॉट बॉर्न इन इंडिया, शी इज़ ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाई अदर्स एडवाइस, वो हिम्मत नहीं करती हैं, जो शायद कभी कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर जाते हैं, चाहे बेवकूफ़ी भी कर जाए वो अलग चीज़ है, बट ही डज इट। तो ये वीकनेस आती है। जो दूसरा फैमिली आउटफिट था UP का, मुलायम सिंह का, वो ब्रेक हो गया है। बेटा अलग है, बेटी अलग है, बहू अलग है, सब अलग अलग जा रहे हैं। तो फैमिली पर जो बिना आइडियोलॉजी के जो गवर्नमेंट बनी रही हैं, वो डेंजर सीन है येट। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज मोज़ेक। मोज़ेक इज फर्श ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हमारे आर्किटेक्ट साहब बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि अगर सीमेंट की बनाए उसमें मोज़ेक पत्थर डाल दें, मजबूत हो जाती है ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि साहब ये भारतीय संविधान की बड़ी खूबसूरती रही कि सभी पार्टियों ने बहुत ही ईमानदारी और बहुत अच्छे ढंग से काम किया पॉलिटिकल टर्म्स में। जब साहब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट हुई थी, एक साहब हुए थे मनोहर जोशी, आपके यहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे, हम लोग पार्लियामेंट के बाद, हमने मनोहर जोशी कौन है भाई, पता नहीं कोई शिवसेना, पता नहीं। अब शिवसेना के बारे में इमेज ये थी दिल्ली के अंदर, इट इज़ अ इररिस्पॉन्सिबल आउटफिट, इट इज़ नॉट अ पोलिटिकल पार्टी, बंदर छाप समझते थे हम लोग उनको। अब मनोहर जोशी जी आए, इतना बढ़िया काम किया, वी हैड टू रिवाइज अवर फीलिंग एंड परसेप्शन अबाउट शिवसेना, वी ऑल्सो गेट एजुकेटेड। अब मनोहर जोशी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अद्भुत है भारत के संविधान में, जो किसी स्पीकर ने नहीं किया। पहली बात, उनकी तारीफ किसने की, ये भी सुन लीजिए। उनकी तारीफ की सोमनाथ चटर्जी ने, भयंकर कम्युनिस्ट। एक शिवसेना का प्रतिनिधि आता है, वो बन जाता है स्पीकर लोकसभा का, माने अंपायर टू कंडक्ट द हाउस, एंड ही गेट्स प्रेज फ्रॉम सोमनाथ चटर्जी, लेफ्टिस्ट, एंड ही डेवलप्स अ कमिटी सिस्टम। कमेटी सिस्टम में क्या होता है, शायद आप लोगों को कुछ जो पार्लियामेंट या MP रहे हों तो मालूम होगा, कमेटी सिस्टम अलग अलग मिनिस्ट्री की कमेटीज़ होती हैं जिसमें हर पार्टी के लोग होते हैं। उसके करेक्टर में अगर मान लीजिए डिफेंस की कमेटी है, उसमें अगर 10 सदस्य हैं तो 6 सदस्य होंगे लोकसभा से और 4 होंगे राज्यसभा से, और उन सदस्यों में सब पार्टियों के लोग होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी फेयर। और जब वहाँ डिस्कशन होता है, बड़ी ईमानदारी से होता है और देश के लिए होता है, और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कमिटीज में लिए जाते हैं, हाउस में नहीं लिए जाते। अब हाउस में देखेंगे बंदर बंदर ड्रामा चलता रहता है, तू चोर है, तूने ये चोरी कर ली, वो हम लोगों का ये ड्रामा है जो चलता है, जो मीडिया में आता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे बड़ा योगदान है कमेटी सिस्टम, वो किसने किया, मनोहर जोशी जी ने।
ये मनोज जोशी जी का योगदान रहा है. एज ए पार्लियामेंट्री करेस्पॉन्डेंट आई कैन स्टैंड बाई दिस थिंग. आई हैव कवर्ड पार्लियामेंट वेरी रिगरसली और मैं कह सकता हूँ कि मनोज जोशी जो एक रीजनल पार्टी से आए थे विच वॉज मच मेलाइंड इन इंटेलेक्चुअल सर्कल ऑफ दिस कंट्री ही गिव्स स्ट्रेंथ टू अवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा एंड ही क्रिएट्स पार्टी. और लोग बड़ा विरोध कर रहे थे हाउस में बैठा था. उन्होंने कहा भाई नहीं कह कैसे चलेगा. बोले भाई ट्राई तो कर लीजिए. मुस्कुरा के बोले जोशी जी. अब पता नहीं मैं उनसे इसके बाद मैं मिला नहीं लेकिन उन्होंने ये कॉन्ट्रीब्यूट किया. उसके बाद सब कमेटी सिस्टम आ गया. गवर्नमेंट बदल गई. चुनाव हार गया अटल जी. सोमनाथ चटर्जी बने थे. सोमनाथ चटर्जी ने उस कमेटी सिस्टम को स्ट्रेंथन किया. तोड़ा नहीं. गवर्नमेंट बदल गई. पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंट लोग आ गए बट दे कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड फाइबर ऑफ आवर कंट्री. हमारे पत्रकारों को पता ही नहीं होता कमेटी रूम में क्या होता है क्योंकि हमको अलाउड नहीं है वहाँ पर. अगर हम चले जाएंगे सत्यानाश हो जाएगा. याद रखिए वो सत्यानाश निश्चित होगा. अब पार्लियामेंट्री डिबेट जो है वीक हो गई इसीलिए क्योंकि उसमें डिस्कशन होता है और उसमें प्रेशर नहीं होता है कि पब्लिक क्या कहेगी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या कहेगी मेरा पार्टी लीडर क्या कहेगा. उस कमेटी सिस्टम में इतने अच्छे डिसीजन हुए हैं. फिर इसी पिछली गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट में उसको ख़त्म नहीं किया है. दो तीन और कानून पास हुए हैं. एक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI. RTI एक्ट से के बनाने वालों से मेरी बड़ी दोस्ती रही. साथ उठना बैठना रहा लगे रहते थे. उसमें एक सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के एक फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे योगेंद्र नारायण जी. सब लोग बैठे थे हम लोग बना रहे. हमने कहा कोई पास करेगा. आई मस्ट एडमायर द पोलिटिकल क्लास ऑफ दिस कंट्री. हम लोग पॉलिटिक्स बुराई कर रहे हैं लेकिन आज मैं तारीफ इसलिए करूँगा दे अलाउड इट टू बी पास्ड. 1923 का जो कानून था सरकारी जो है सरकारी कर्मचारी एक दूसरे को फाइल नहीं दिखाएगा. कॉन्फिडेंशियलिटी थी सिस्टम में और दैट वॉज ब्रूइंग करप्शन. इट फॉर द फर्स्ट टाइम 1923 एक्ट वॉज अमेंडेड एंड इट वॉज ओपेंड. And for this, some top bureaucrats and some politician went out of way. We went to army officers, generals ke paas. Bole sahab, ye hum nahi batayenge. Arey bhai, hum ye thodi bata rahe hain deployment kya karoge. Lekin khane mein agar gadbad ho rahi hai, to RTI maana chahiye. Sipahiyon ko khana to acha milna chahiye. Chhe generalon ko saza mili hai jinhone corruption kiya tha hamare sipahiyon khane mein. Ek general sahab bach gaye hain jinhone beimani ki thi snow shoes mein. वो आर्मी चीफ रिटायर हो गया. इसके पीछे कौन पड़े बदनामी होती है देश की. उन्होंने 30 करोड़ का मकान बनाया चंडीगढ़ में. अब पत्रकारों में कभी असलियत कभी निकली जाती है. लेकिन ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया. RTI आने से 90% आपको जवाब देना ही पड़ता है. अब क्या हो रहा है अब सरकारें डरी रहती हैं. वो कहते हैं अफसर से कहते हैं भाई कुछ कमा के दो भाई मंत्री बन गए. उस चक्कर में होता है वरना RTI इज़ द फर्स्ट थिंग विच हैज़ एम्पावर्ड एवरी सिटीजन लाइक ए पार्लियामेंट मेंबर. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो गई.